जावा का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, कोई बताएगा? आप लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं? कोई नहीं बोलेगा। प्लेटफॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो हार्डवेयर है या हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या यूज कर रहा है। वो विंडोज है, वो मैक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वो लाइनेक्स है, क्या इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये होगा प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है, सी प्लस प्लस का मान लो आपने एक जगह आपने कंपाइल किया एक प्रोग्राम और उसको रन भी उसी प्लेटफॉर्म पर ही करना होगा हमें सी प्लस प्लस के अंदर। जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा पे आपने, जावा में विंडोज पर आपने कंपाइल किया, प्लेटफॉर्म यूज करा विंडोज और उस प्रोग्राम को कंपाइल किया हमने, तो उसकी जो जो फाइल बनेगी, ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, उसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मान लो जो विंडोज पर प्रोग्राम हमने कंपाइल करके जो हमारी क्लास फाइल मिली हमें, उसका हम यूज हम लाइनेक्स में भी कर सकते हैं और उसको हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी यूज कर सकते हैं। जबकि सी प्लस प्लस और सी और सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था। किसी अगर प्लेटफॉर्म पर हमने उसको बनाया है, उसको हमने वहां पर चलाया है, तो वो जो प्रोग्राम है वो उसी प्लेटफॉर्म पर ही रन होगा। अगर मैंने पाई आर स्क्वायर का प्रोग्राम बनाया है, तो अगर मैंने विंडोज पर बनाया है तो वो प्रोग्राम मैं सिर्फ विंडोज पर ही चला सकता हूँ। मैं एप्पल के ऑपरेटिंग, एप्पल वाले उस पर नहीं चला सकता। मैं सी प्लस प्लस के केस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जावा में ऐसा नहीं सर, है। मतलब अगर मैक पे कोई कोड लिखेंगे तो वो विंडोज पे नहीं चलेगा। सी प्लस प्लस के केस में मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। ये सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था, लेकिन जावा में क्या हुआ, जावा क्यों आया? जावा इसीलिए आया कि टाइप्स ऑफ जो इन्वायरमेंट अगर हमारा चेंज हो जाता है, तो उस फाइल का हम यूज वो फाइल यूजेबल नहीं रह जाती है। वो पाई आर स्क्वायर हमने जैसे किसी ने बनाया, मान लो किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाया और उसको हमको कहीं और किसी को देना है, उसका प्लेटफॉर्म दूसरा वाला है, तो वो यूज में नहीं आएगा वो प्रोग्राम। सी प्लस प्लस में ये एक डिसएडवांटेज था, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आप रन कहीं करो, कंपाइल कहीं करो, बनाओ कहीं, लेकिन सब पर चल रन होगा वो, है ना। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये आया, और दूसरा ये था इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब विच डिमांडेड पोर्टेबल प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट में क्या था कि अलग अलग ऐसा पोर्टेबल प्रोग्राम चाहिए होते थे जो कि सब जगह चल जाए। पोर्टेबिलिटी जो मेन रीजन था, है ना। तो लिखा भी है पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नेसेसिटेटेड द इन्वेंशन ऑफ जावा। दोनों रिक्वायर्ड थी जावा के इन्वेंशन के लिए। तो अभी हो गया है हमारे पास टाइम पूरा लगभग लगभग, है ना। अब आगे आगे हम देखेंगे, लेकिन आप जावा क्यों आई समझ में आया आपको? यस जी सर, सर, यस प्लेटफॉर्म सर, यस सर, इंडिपेंडेंस के कारण। ठीक है, अगर आपको एप्पल का है तो वो उसमें जो प्रोग्राम बनाया है वो यहाँ नहीं चलेगा सी प्लस प्लस के केस में। जावा में ऐसा नहीं था, सब जगह चल जाएगा जावा। तो इस कारण से हमको इसका आगे फायदा हुआ, और ये हिस्ट्री है इसकी। ये जो सन माइक्रो सिस्टम था, इसने बनाई थी जावा। जब मैंने एग्जाम दी थी, इसकी जो सर्टिफिकेट एग्जाम होती है, जब मैंने एग्जाम दी थी तब ये सन माइक्रो सिस्टम का था जावा। बाद में इन्होंने ओरेकल ने खरीद लिया इसको, अभी कभी खरीदा है 2-3 साल पहले, है ना। तो ये इवोल्यूशन है जावा डेवलपमेंट टूल किट। ये टूल किट होते हैं, ये JDK 1.0, JDK 1.1, ये आपको जावा को प्रोग्राम को रन कराने के लिए ये इन्वायरमेंट जरूरी होता है। डेवलपमेंट टूल किट, जावा डेवलपमेंट टूल किट, जावा डेवलपमेंट किट।
ये 1.0 है, फिर 1.1, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया ये हमको चीजें दिखती जा रही हैं, 2002, 2004, 5 नहीं है 6, ठीक है, और आपको और भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और फिर जावा एडिशन, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, माइक्रो एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, और ये अलग अलग है, ये क्लाइंट साइड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए होता है, ये एप्लेट जिसको हम बोलते हैं, ये सब क्लाइंट साइड पर ही रन होता है एप्लेट, ये हमारे ब्राउजर पर रन होगा। और ये जो J2ME आया है ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, ये आपने जब मोबाइल लिया होगा तो उसमें जो कई बार आपने वो बॉक्स जो होता है मोबाइल का उसमें देखा होगा कि आपने जो जावा गेम्स लिखा रहता है, पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है गेम्स जो है जावा में? सर हाँ यस सर, पहले आते थे सर सैमसंग, पहले आते थे, बहुत बढ़िया, वही बोल रहा हूँ, अब एंड्रॉइड आ गया है लेकिन, है ना। तो और ये है इंटरप्राइज एडिशन का, के लिए to develop server side application such as java servlets and java server pages, ये जो एप्लेट होता है ये क्लाइंट साइड के लिए होता है, और ये जो दो चीजें हैं java servlets and java server pages ये होता है सर्वर साइड पर, ये कहां रन होंगे? सर्वर साइड पर। क्लाइंट पर क्या रन होगा? एप्लेट या स्टडी एप्लीकेशन, और ये कहां रन होगा? सर्वर पे। अधिकतर जो भी आप वेबसाइट चलाते हो, जो भी एप्लीकेशन होती है वो उसमें जावा सर्वलेट, आप देखोगे कि उसका जो पेज के बाद में एक्सटेंशन जो होता है वो .jsp होता है, ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? जो भी एप्लीकेशन का यूज करते हो इंटरनेट पर आप, तो कभी भी उसके जो URL चेक करना उसका, उसमें पेज के आखिरी में लिखा रहेगा .jsp, मतलब वो जावा सर्वर पेजेस है, वो जावा में बना हुआ है वो, ठीक है। अभी तो ध्यान दोगे, पढ़ लिया तो ध्यान देना आगे, और अभी क्या 4 मिनट बचे हुए हैं, तो अब आप लोगों को मुझे वो दे दीजिएगा अटेंडेंस। CR कौन है, कौन देगा आज मुझे? यस सर, सेंड कर देंगे आपको, है ना, मेरा नंबर तो मिल गया होगा आप लोगों को, आ गया होगा? यस सर, तो उस पर मुझे एक ही भेजना, लेकिन सब लोगों को भेज देना, जो भी CR हो वो भेज देना। अभी के अटेंडेंस कितने हैं? 30-40 के अराउंड है ये, चलो बाप देखते हैं थोड़ा बहुत, है ना। ये जावा है, आप लोग पढ़ना, जावा का बहुत मटेरियल है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। 95 से आया तक अब कितने साल हो गए? 95 और 21 26 साल हो गए, 25 साल मान लो, है ना। अब देखो जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये है जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जनरल पर्पस इसने क्यों बोला है? सारे के सारे काम हम कर सकते हैं इससे, जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करे, एक टास्क परफॉर्म करे, है ना। ग्राफिक्स भी हो जाएगा उसमें, सर्वर साइड भी हो जाएगा, क्लाइंट साइड भी हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। और ये क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज। अपनी जो बात हुई थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की, वो यही है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर राइट कर लिया, प्रोग्राम बना लिया, और फिर उसको आप कहीं भी रन कर रहे हो, ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये राइट वंस रन एनीवेयर। ये समझ में आया कि नहीं आया ये? और ये डिजाइन फॉर इजी इंटरनेट एप्लीकेशंस, ये बनाना इजी है जावा, जावा से ये इंटरनेट आया, इसलिए जावा आई है। जावा का यूज, जावा जैसे हमने पढ़ा पहले कि जावा का बड़ा कारण आने का ये इंटरनेट था, वेब एप्लीकेशन है, इंटरनेट एप्लीकेशन ये आसानी से बन जाती है उसमें, और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जावा के अंदर, सिक्योरिटी भी होती है, जो उप्स के कंसेप्ट हैं वो मेन रीजन है इनके, इसके यूजफुल होने का सब जगह। ये वाइड लिखा ही है, वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, इतने सारे फीचर हैं इसके अंदर कि ये वाइड स्प्रेड मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। ये है कि हाउ जावा इज डिफरेंट फ्रॉम सी और सी प्लस प्लस, ये आप लोग पढ़ के आइएगा, और आप लोगों को मैंने बुक बता दी है तो बुक सर्च कीजिएगा बस, है ना। और अब एक मिनट बचा हुआ है, किसी को भी डाउट है अभी तक पढ़ रहा जो भी अपन ने आज देखा? सीआर कौन है सर? जितनी भी चीजें थी अपने ओवरव्यू में वो सब अपन मतलब डीप स्टडी करेंगे ना उनकी। हाँ बेटा, इसलिए तो मैंने सिलेबस बताया ना आपको,
सिलेबस काहे के लिए होता है, देखो ये सिलेबस मैंने भी डाउनलोड कर लिया, ये देखो ये जो अपन ग्रुप में ही पढ़ने वाले हैं, एडवांस जावा अलग है, कोर जावा अलग है, एडवांस जावा भी आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे अगले साल। अभी हम क्या देखेंगे कि क्या है ये जावा, डेटा टाइप क्या, और आधी चीजें तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आधी चीजें आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो आप, डेटा टाइप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट पढ़ा है? यस सर। और कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, वो कमेंट्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी सी प्लस प्लस के अंदर? सर कमेंट्स पढ़ी है, पढ़ी है ना, तो वही है यहाँ पर भी है, सेम चीजें हैं यहाँ पर, आपको मतलब फेमिलियर लगेगा पूरा सब्जेक्ट अगर आपने सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ाया तो, ठीक। देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, वही ओवरलोडिंग मेथड आ गई, एक आध दो चीजें बस ये है जो नई चीजें देखने को मिलेगी आपको, ये जेडीबीसी कनेक्शन और ये सब नया है थोड़ा सा, तो सीख जाएंगे उसमें क्या है ना, ये एप्लेट आ गया, एप्लीकेशन साइड प्रोग्रामिंग जो भी, ठीक है, अब देखेंगे अपन नेक्स्ट थर्सडे को, थर्सडे ना, हाँ आप लोग भी देखिए, ठीक है, बाकी सब देखते हैं बाकी, चलो ठीक, थैंक यू।